क्या आप कद्दू के बारे में जानते हैं? कद्दू के फायदों के बारे में जानते हैं? नहीं ना, कद्दू क्या आपको पसंद है? आप खाना पसंद करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कद्दू हमें खाना बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत सारे लोग कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं। कद्दू खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी रेसिपी है कद्दू की सब्ज़ी बनाने की। कद्दू के बारे में आज हम बताएंगे इसके फ़ायदे। कद्दू के कई क्वालिटी होते हैं और पके हुए कद्दू की बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। इसका हलवा आप मिठाई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। ग्रीन वाली कद्दू जो होती है इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत सारी रेसिपी बनती हैं। और जो पका हुआ कद्दू होता है ना, बिल्कुल ऑरेंज कलर का, पीले रंग का, उसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चलिए आज हम ग्रीन वाली कद्दू का सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने ग्रीन कद्दू लिया है 1 किलो, उसे धोने के बाद मैंने काट लिया है। उसके साथ मैंने 2-3 आलू काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी धनिया, पुदीना, और तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है, मेथी दाना, जीरा और बनारसी राई, 2 तेज़पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा। कद्दू बनाने की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ज़रा भी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं कद्दू की। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। आपको कम या ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कद्दू की सब्ज़ी। बीच बीच में हम आपको कद्दू के कितने फ़ायदे हैं इसे बताते रहेंगे। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालेंगे 2 कलछी भर के, या फिर आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं सरसों का तेल। इसे गर्म होने देंगे पहले। सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हमें लेना है जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच मैंने लिया बनारसी राई, 2 तेज़पत्ते, 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा तड़का लगाएंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल देंगे और इसे चलाते हुए ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। कद्दू कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जो स्किन की ड्राइनेस ख़त्म कर देता है। कद्दू ज़रूरी फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर होता है जो त्वचा को पोषण देता है और मुक्त कणों से लड़ता है। कद्दू के बीज में भी जिंक, विटामिन ई और ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड होते हैं। कद्दू के बीज को भून कर खाया जाता है। कद्दू स्किन को यंग और ग्लोइंग बनाए रखता है। प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है, ट्रांसलूसन हो गया है और अच्छी से खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल देंगे हम कद्दू और आलू, इसे अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम नमक और हल्दी डालकर ढककर 5 से 7 मिनट के लिए धीमे आंच में हम पकाएंगे। तड़का लगाते समय आप चाहें तो थोड़ी सी खड़ी धनिया आधा चम्मच डाल सकते हैं तड़के में, इससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कद्दू पम्पकिन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शर्करा और विटामिन सी आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और कई अन्य खनिज भी होते हैं। हम सब्जी में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और ढककर इसे पकाएंगे धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। जैसे ही 4 से 5 मिनट हो जाए तो सब्ज़ी हम खोल कर एक बार चेक कर लेंगे ढक्कन हटाकर पकी है या नहीं, और आलू हम चेक करेंगे। आलू अच्छे से पकनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। पहले हम आलू चेक कर लेंगे। देखिए आलू अच्छे से पक गई है, सब्ज़ी आधे से ज़्यादा पक गई है। अब थोड़ी सी और पकानी है, इसमें कुछ हम ड्राई मसाले डालते हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के आमचूर का पाउडर। तो पहले मसाले हम डालकर चलाएंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। खट्टा मीठे का स्वाद आएगा और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आमचूर की जगह आप चाहें तो कच्चे आम भी डाल सकते हैं सब्ज़ी में बारीक बारीक काट कर, और इसमें खड़ी खटाई भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच चीनी।
इसे बहुत ही ज़्यादा खट्टे मीठे का स्वाद आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये सब्ज़ी कद्दू की। ऊपर से हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना की पत्ती काट कर बारीक बारीक डाल देंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। इस सब्ज़ी के साथ आप पूड़ी और पराठे भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो रोटी भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। पूड़ी पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है कद्दू की सब्ज़ी, और ये च्वाइस तो आपकी है, आपको पूड़ी के साथ खाना है या पराठों के साथ या फिर रोटी के साथ। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए फैमिली के साथ। कद्दू की सब्ज़ी मैंने सर्व कर लिया है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए फ्रेंड्स, तो आप भी इसे बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है ज़रा भी कद्दू की सब्ज़ी बनाने की, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।